नमस्कार, आप सबका स्वागत है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ट्रैफिक के दौरान ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़ी नजर आती है, जिस पर सभी का ध्यान जाता है। इसी के कारण हम नियमों के अनुसार एक गाड़ी चलाते हैं। लेकिन आज हम ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो ट्रैफिक पुलिस तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक की भीड़ में चौराहे पर खड़ा रहता है। ये शख्स आज से नहीं बल्कि बरसों से खड़ा हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में, कौन है ये और क्यों खड़ा रहता है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस शख्स का नाम कृष्णा दास है, जो मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल पर हमेशा खड़ा रहता है। बताया जाता है धूप हो या बरसात, ये सिग्नल पर ही मिलेगा। इसके साथ एक तख्ती भी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ लिखा होता है, इसी तख्ती को लेकर हमेशा खड़ा रहता है। साथ ही किसी से कोई आर्थिक मदद नहीं लेता। बता दें, उसकी तख्ती पर इंसानियत से जुड़ा कोई ना कोई संदेश लिखा होता है, जिसे वो लोगों को पढ़ता है और उन्हें धर्म की राह पर चलना सिखाता है। उसमें से एक है, अपने धर्म पर चलो। कृष्णा दास के बारे में बताया जाता है कि ये मुरारी बापू का बड़ा भक्त है और उन्हें अपना गुरुवार मानता है। उन्हीं की राह पर चल रहा है ये और सभी को ऐसा ही करने को भी कहता है। ये किसी से कोई मदद नहीं लेता, लेकिन एक मारवाड़ी होटल का व्यक्ति उसे दोपहर का खाना निशुल्क देता है।